किसी स्कूल में बच्चे चीट करके पास हो जाते हैं, नकल करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि यही हमारे स्कूल सिस्टम का सीन है। यहाँ इस चीज़ को कोई नहीं पूछता कि आपने कितना सीखा, यहाँ इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि आपके नंबर या ग्रेड्स कितने आए। और दोस्तों, चालाक लोगों को पहचानने की कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली, चालाक इंसान कभी भी आपको सीधा हाँ में जवाब नहीं देता, बल्कि वो बातें घुमाता है। दूसरी, वो कोई भी जवाब देगा तो इस तरह से देगा कि बाद में आप उस पर उंगली ना उठा सके कि तुमने ऐसा कहा था, बल्कि वो आपको ही अपनी बातों में ऐसा फंसा लेगा कि वही बात आपको भी सही लगने लगेगी। तीसरी, पैसे के मामले में पाई पाई का हिसाब रखेगा। आज अगर उसने आपको चाय पिलाई है तो कल आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखेगा। चौथी, जब आप उसको अपने बारे में 50% बात बता दोगे तब जाकर वो कहीं आपको 5% बताएगा। पांचवी, ये हमेशा आपके साथ रहने का नाटक करेगा, जैसे गुड मॉर्निंग बोलना, रोज बात करना, पर जैसे ही आपको इससे काम पड़ेगा तो बहुत प्यार से टरका देगा। और दोस्तों, अपनी वैल्यू पहचानने के कुछ खास पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, उम्मीद है ये आपको अंदर से पहचानने में मदद करेंगे। जैसे सोचो, एक लोहे की मोटी रॉड कितने की होती है? 100 या 150 या ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए की। पर वहीं इसे पिंगला कर इससे घोड़े की नाल बना दी जाए तो ये करीब 1000 रुपए की हो जाती है, और अगर इसी से सुई बना दी जाए तो ये करीब 10000 रुपए की हो जाती है, और अगर इससे घड़ियों के बैलेंस स्प्रिंग बनाए जाए तो इसकी कीमत करीब 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, लोहा वही है, बस वो खुद को अपग्रेड करता रहा तो उसकी कीमत पहले से ज्यादा बढ़ती चली गई। एग्जैक्ट आपको अपनी लाइफ में करना होता है। और भाई, 16 से 30 साल के लोगों को कुछ खास बताता हूँ, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप नेट पर क्या देखते हो क्या नहीं, जैसे गलत वीडियोस देखना, अट्रैक्शन से भरी हुई तस्वीरें देखना, रोज अपने माइंड को यही सब दिखाना आपके माइंड को पूरी तरह से धो देता है। फिर आप किसी भी चीज पर जल्दी फोकस नहीं कर पाते, तो इससे जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और भाई, अभी आप किसी भी चीज पर कंट्रोल इजीली कर सकते हो तो नींद, आलस, फोन और नशा, इसकी लत कभी मत लगने देना। आप अभी इन पर कंट्रोल करोगे तो इजीली आप अपना टाइम सही चीज पर लगा पाओगे। और उम्मीद इस दुनिया की सबसे हार्ड चीज है, यह कभी भी आपको तोड़ सकती है, तो किसी से उम्मीद मत लगाओ अपने अलावा। और इस स्क्रीनशॉट के जमाने में अपनी पर्सनल बातें किसी से ना करें, क्योंकि वो कल को आपको इसके लिए ठेस पहुंचा सकता है। और दोस्तों, एक बार एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि यार, ये बहुत से लोग किसी के जाने से बहुत दुखी हो जाते हैं, या कई लोग हमारी लाइफ में आते हैं मगर बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहते, तो जब इन्हें जाना ही होता है तो हमारी लाइफ में आते ही क्यों हैं, और अगर आते हैं तो इन्हें किस तरह से ट्रीट करें या किस तरह से रखें कि हमें पेन ना हो। तो उस लड़के ने कहा कि चल आ, तुझे कुछ दिखाता हूँ। उसने उसके सामने 3 कटोरियां रखी, जिसमें एक में सिर्फ पानी था, दूसरे में दूध और तीसरे में फ्रूट चाट। फिर उसने एक नींबू उठाया और कहा कि देख, जब हम पानी में नींबू घोलते हैं तो ये काफी लंबे समय तक सही रहेगा और हम इसे बाद में भी पी सकते हैं। दूसरा, उसने दूध में नींबू डाला तो वो दूध फट गया। और फिर उसने फ्रूट चाट में नींबू डाला तो उसने बताया कि इसे अगर हमने अभी खा लिया तो हमें अच्छा स्वाद आएगा, वरना बाद में ये खराब हो जाएगी। सेम चीज़ हमारी जिंदगी में लोगों की होती है। लोग हमारी लाइफ में आते हैं अपनी मर्जी से और जाते भी अपनी मर्जी से हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उन्हें रॉन्ग कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे लोग किसी रीजन से आते हैं, किसी सीजन की तरह आते हैं या लाइफ टाइम के लिए भी आते हैं, मगर अफसोस हम उन्हें गलत कैटेगरी में डालकर उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं और फिर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो भाई, जो लाइफ टाइम के लिए आएगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली आपके साथ रहेगा। बाकी अटैचमेंट रखो, मगर इस तरह से नहीं कि उनके जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो। और दोस्तों, एक समझदार इंसान में और बेवकूफ में सिर्फ इतना फर्क होता है कि समझदार इंसान को पता होता है कि वो कहां पर बेवकूफी कर रहा है, मगर बेवकूफ को कभी भी मालूम नहीं चलता कि वो बेवकूफ है। वो बस अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद को बहुत ही ज्यादा शातिर समझता रहता है। और दोस्तों, जब कोई इंसान अपने रिलेशन को किसी दूसरे के रिलेशन से कंपेयर करता है तो उनके रिलेशन में ऑटोमेटिकली कड़वाहट आने लगती है, क्योंकि यहाँ वो अपने साथ के लोगों में ऐसी कमियां ढूंढने लगता है जिससे उससे नफरत की जा सके, जो कि ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको हमेशा खुश रहने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना यार, इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।